अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आविजा और आप देख रहे हैं किचन विद आविजा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे इमली की चटनी। ये सब आपके रिक्वेस्ट पर है, आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि इमली की चटनी बनाना बताएं, सो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम इमली की चटनी बनाते हैं। भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून जिसे मैंने पानी में हल कर लिया है, नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और इधर मेरे पास गुड़ है 1 कप और इसके अलावा इमली का पल्प है, इसे मैंने 2 कप पानी के अंदर जो है बॉईल किया था इमली को, फिर इसके बाद मैंने इसका पल्प निकाल लिया था। ठीक है, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे बॉईल आने तक। फ्रेंड्स, गुड़ जो है वो अच्छे से डिजॉल्व हो गया है, अब हम इसके अंदर सब मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और ये भुना हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, चटनी बहुत अच्छे से तैयार हो रही है। इसकी थिकनेस के लिए हमारे पास है कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून जो हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करेंगे, हाफ हाफ ऐड करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी के लिए। इसमें जितनी थिकनेस आएगी उतनी अच्छी बनेगी। अब इसमें कंप्लीट कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे ताकि इसके अंदर बेहतरीन सी जो है थिकनेस आ जाए और ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाए। इसे ऐसे धीरे धीरे पकाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। फ्रेंड्स, हमारी चटनी के अंदर जो है थिकनेस आ चुकी है, ये देख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छे से थिक हो गई है। अब हम इसके अंदर तिल ऐड करेंगे 1/4 कप, ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ तेल। अब हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि अच्छे से और थिक हो जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी इमली की चटनी रेडी है और ये देखिए इसकी थिकनेस, इसकी बहुत ज़बरदस्त थिकनेस आई है इसके अंदर। अब ये बिल्कुल रेडी है, आप इसे समोसे, चाट और इसके अलावा दही भल्ले के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने तिल ऐड किए हैं जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में जो इजाफा हो गया है और आप इसके अलावा खरबूजे के बीज भी ऐड कर सकते हैं, मेलॉन सीड्स। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।